सो है गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो की टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि गाइज आप लोगों को पता ही होगा जो Xiaomi का जो सब ब्रांड रेडमी, तो रेडमी का जो नोट सीरीज़ के बारे में तो हर किसी को मालूम है, क्योंकि इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है रेडमी नोट सीरीज़ के अंदर, बहुत सारे। जैसे कि रेडमी नोट से स्टार्ट हुआ था, नोट सीरीज़ से, तो उसी के तौर पर जो रेडमी नोट 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आ गया। हर एक मॉडल का चार चार वेरिएंट, तीन वेरिएंट जो रिलीज़ किया है रेडमी, तो बहुत सारे स्मार्टफोन हो गया। तो गाइज उसी से रिलेटेड और एक नए स्मार्टफोन आने वाली है जो आउट ऑफ कंट्री में भी रिलीज़ हो गया है। तो गाइज सेम आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। तो जो स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ इंडिया में रिलीज़ हो गया है, तो सेम स्पेसिफिकेशन आज आपको शेयर करने वाला हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग गाइज इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं Redmi Note 12 के बारे में। जी हाँ, जो अपकमिंग स्मार्टफोन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी पावरफुल, जो MediaTek Dimensity 820 प्रोसेसर, 820 जो MT6875 में प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, एंड कपल्ड विद जो रैम एंड स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे, वो आपका मिनिमम आपको 6GB रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज होगा। बट उसका भी कुछ वेरिएंट होगा, जहां पर आपको 8GB रैम, उसी के साथ आपको 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है, अदरवाइज आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उसका कैमरा सेटअप के बारे में। आज की डेट में जो सारे स्मार्टफोन जो रिलीज कर रहा है उसी से रिलेटेड है, ट्रेंडिंग कैमरा सेटअप होगा, जहां पर आपको ट्रिपल सेटअप में कैमरा देखने को मिल जाएंगे। 50 MP का मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड एंगल, वाइड एंगल 8 MP, एंड लास्ट में बचती है डेप्थ और मैक्रो लेंस, तो उसमें आपको 2 MP में देखने को मिल जाएंगे। एंड सेल्फी स्नैपर में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी पावरफुल सेल्फी स्नैपर दे के रखा है, जहां पर आपको 32 MP का सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप 4K वीडियो तक रिकॉर्ड कर पाओगे, जो आपका 30 FPS और 60 FPS में भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। यानी जो सेल्फी स्नैपर होगा और जो बैक कैमरा ऑन द बैक जो प्राइमरी लेंस होगा वो काफ़ी पावरफुल होने वाली है। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उसका डिस्प्ले के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आपको एवरेज साइज का डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे, जो 6.5 इंच का एवरेज साइज का डिस्प्ले होगा, जो IPS LCD टाइप डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएंगे, एंड इसका जो प्रो वर्जन आएगा गाइज उसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो आपका OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो देखने को मिलेगा वो आपका Android 11 देखने को मिल जाएंगे। बैटरी कैपेसिटी भी आपको आज की डेट के बारे में बताऊँ तो एवरेज हो गया, क्योंकि गाइज 5000mAh का बैटरी हर एक स्मार्टफोन में आजकल देता है। तो चलिए गाइज यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इतना सा ही लीक हुआ है। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए।